इस साल मौसमी बीमारियों की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में राजस्थान का नाम खराब हुआ, लेकिन चिकित्सा विभाग सोता रहा। लेकिन अब चिकित्सा विभाग जाग चुका है और वक्त रहते सभी जिलों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए वार्षिक कार्य योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। चलिए आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। पहले जयपुर में जीका से हुई दुनिया हैरान, फिर स्वाइन फ्लू ने ली हर रोज दो जान, मौसमी बीमारियों ने प्रदेश को किया बदनाम, अब जाग गया है जिम्मेदारों का ईमान। मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। जयपुर अभी इस दिल दहलाने वाली तस्वीर को भूला नहीं होगा। अभी कुछ ही वक्त गुजरा है जब जयपुर के बड़े अस्पतालों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता था। कभी जीका के खौफ ने लोगों को डराया तो कभी स्वाइन फ्लू लोगों की जान लेता नजर आया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश का चिकित्सा महकमा इस बार वक्त रहते जाग गया है और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिलेवार फोकस करना शुरू कर दिया है। विभाग ने मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, स्क्रब टाइफस सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी CMHO से मौजूदा संसाधन और जरूरत के हिसाब से प्लान बनाने को कहा है। इस सालाना कार्य योजना में कई बिंदुओं पर फोकस किया गया है। मसलन जिलों में सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों में पूरे साल प्लान बनाकर काम किया जाए। हर जिले में कंट्रोल रूम मजबूत किया जाए। रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन कर इनके सदस्यों के मोबाइल नंबर हर अधिकारी को मुहैया करवाए जाए। IDSP सेल के क्रियान्वयन को बेहतर किया जाए। जिले में सर्वे टीम बनाकर घर घर से सूचना इकट्ठा करने के तंत्र को मजबूत किया जाए। मौसमी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए IEC एक्टिविटी पर फोकस किया जाए। स्वाइन फ्लू मरीजों की पहचान के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाए। ये सभी डॉक्टर्स के पास उपलब्ध हो। पानी के नमूनों की जांच के लिए हर अस्पताल में क्लोरोस्कोप की व्यवस्था हो। इसके साथ ही दवाओं की उपलब्धता, ऑनलाइन स्टॉक की जांच पर भी ध्यान दिया जाए। तो जिलों में सर्विलांस, फॉगिंग, माइक्रोप्लान, एंटी लार्वा एक्टिविटी के लिए जरूरी संसाधन भी पूरे हो। इसके अलावा इस सालाना कार्य योजना में रविवार को ड्राई डे का भी प्रावधान किया गया है। विभाग से जिलों में सालाना कार्य योजना में इस बार ड्राई डे यानी सूखा दिवस पर भी फोकस किया गया है। रविवार के दिन का इसके लिए चयन किया गया है जिसमें घरों में रखे पानी को सप्ताह में एक बार जरूर खाली कराने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों में मौतों का ग्राफ कम करने के लिए हाई रिस्क ग्रुप यानी गर्भवती महिलाएं, बच्चे, अस्थमा, TB, शुगर, कैंसर जैसे मरीजों पर विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने फील्ड अधिकारियों से सालाना कार्य योजना की रिपोर्ट लेना तो शुरू कर ही दिया है, लेकिन ये कवायद तभी अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी जब फील्ड में क्रियान्वयन पर भी इतनी ही गंभीरता बढ़ती जाए। उम्मीद ये है कि विभाग पुरानी विफलताओं से सबक लेगा और मौसमी बीमारियों की रोकथाम कर न सिर्फ लोगों को राहत देगा बल्कि राजस्थान की खराब सेहत की छवि को भी सुधारेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।